बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास के लिए तैयार हो? चलो क्लास शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। नवरात्रे शुरू हो गए हैं और एक के बाद एक फेस्टिवल तुम्हारे आने वाले हैं। बहुत कुछ है अभी इसमें, ये भूल नहीं जाना खुशियों में कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना है। भीड़ भाड़ में नहीं जाना बच्चों, भीड़ तो लगानी ही नहीं है, एक दूरी का पालन करना है। ठीक है, घर पर बैठ के आप पूजा पाठ कीजिए, ठीक है, और अपने हैंड वॉश करने हैं, दूरी का पालन करना है, जो भी बाहर से चीज़ें घर में आ रही हैं उसको सैनिटाइज करना है। ठीक है, ओके, बी हैप्पी एंड हेल्दी, और फिर खुश रहोगे और हेल्दी रहोगे तभी तो पढ़ाई होगी ना, है ना। तो जो कुछ नियम होते हैं बेटे उनका पालन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ एकदम फेस्टिवल आ जाए तो हम नियमों को तोड़ दें। इंसान की पहचान नियमों से होती है। ठीक है, चलो हम इसको पढ़ते हैं, त्रिभुज और इसके गुणों को। ये बच्चों थोड़ा सा तुम्हें आइडिया, लेकिन आज पूरी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फोकस कर लो अपने माइंड को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहला सवाल है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बताओ क्या होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आ गया ना उत्तर? ओके, अच्छा, अब आप ऐसे त्रिभुज के बारे में बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। बताओ ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसका नाम बताओ। यस, यू गॉट इट राइट, दिस इज समद्विबाहु त्रिभुज। वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो तुम्हें पता है, जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन क्या तुम इनके कोणों के बारे में जानते हो, इसमें क्या संबंध होता है? चलो एक क्रियाकलाप करते हैं। हमने यह एक त्रिभुज लिया एक्स वाई जेड, इसको इस तरीके से बनाया कि एक्स वाई साइड एक्स जेड के बराबर आ ली, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हम इसको मोड़ेंगे या काटेंगे, इस प्रकार से मोड़े कि शीर्ष वाई शीर्ष जेड पे आ जाए, वाई जेड पर आए, तो आप ये देखोगे ये दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। तो यदि हम ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसका एक कोण दूसरे कोण को पूरा ढक रहा है, यानी वो पूरा बराबर है। आप ये बोल सकते हैं एक दूसरे के बराबर है वो, तब भी आप ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके बराबर नहीं है, जैसे विषमबाहु, और उसको ढकने की कोशिश कीजिए, वो नहीं ढकेगा, लेकिन समद्विबाहु में वाई पूरा जेड को ढक देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर दो भुजाएं बराबर हुए तो उनके दो कोण भी बराबर हो गए, और कैसे बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा है एक्स वाई, तो इसका है ये कोण, इसके सम्मुख कोण जेड हुआ, एक्स जेड के सम्मुख कोण हुआ वाई, तो एक्स वाई के अपोजिट जेड सम्मुख कोण, और एक्स जेड के अपोजिट वाई सम्मुख कोण, वाई और जेड बराबर होंगे आपस में। तो हम ये पढ़ सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे याद कर लीजिए, इसे हम कक्षा आठवीं में, नौवीं में, दसवीं में सब जगह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये कथन आपको याद होना चाहिए। चलो अब एक और चीज़ करते हैं, एक त्रिभुज लो ए बी सी, इसके तीनों कोनों को काटो और एक रेखा के ऊपर इनको लगाओ, तो तुम देखोगे बिल्कुल रेखा को पूरा ढक देते, एक सरल रेखा बना देते हैं, एक सरल कोण बन जाता है। अगर कोनों को काट लें त्रिभुज तीन टुकड़ों में आ जाएगा, इन तीनों टुकड़ों को एक साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। अगर हम उसको एक सीधी रेखा में जमा देते हैं तो सीधी रेखा में जम जाते हैं तीनों, कुछ भी हिस्सा खाली नहीं रहता, तो हम बोलते हैं कि सरल कोण बन गया। सरल कोण होता है जो 180 का होता है, सरल कोण, है ना। तो हम बोलेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और ये कोण कौन से हैं, अंदर वाले कोण है, इसलिए हम बोले अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अंतः इसलिए लिखा गया अंदर के कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के बाहर के भी कोण बनते हैं अगर हम किसी भुजा को बढ़ा दें, इसका योग होता है 180। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, एक तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दूसरी चीज़ करी त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग 180 होता है, याद हो गया। आप तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, नीचे दिए गए माप के त्रिभुज को खींचिए, कागज़ की पट्टी का उपयोग करो, कागज़ पे बनाओ इनको, पट्टियाँ बनाओ, आप 2 सेंटीमीटर की पट्टी काटो, 3 सेंटीमीटर की पट्टी काटो, 5 सेंटीमीटर की, और इसमें त्रिभुज बनाने की कोशिश करो। आप किसी भी साइड को ऊपर नीचे आगे पीछे ले सकते हो, इसी तरह इसमें ट्राई करो, इसी तरह इसमें ट्राई करो, तो तुम क्या पाओगे, जब तुम इन कागज़ की पट्टियाँ को बना के काट के त्रिभुज बनाने की कोशिश करोगे, यानी ऐसी आकृति बनाने की कोशिश करोगे, तो तुम देखोगे कि ये वाला नहीं बन पाएगा पहला, और तीसरा भी नहीं बन पाएगा, और दूसरा बनेगा। अब आप सोचोगे मैडम ने कैसे बना लिया, मैंने इसको बना के नहीं देखा है, लेकिन मैं देख के ही बता सकती हूँ कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा और ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक सूत्र पता है। वो सूत्र क्या है? केवल उसी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिनमें दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। दो भुजाओं को जोड़ो और वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए,
हर एक केस में। अब पहला केस देखो तुम, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ पहले की, यहाँ पे दो और तीन को अगर हम जोड़ते हैं क्या वो पाँच से ज़्यादा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, पाँच से ज़्यादा होना चाहिए, दो और तीन का जोड़ पाँच से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर आ रहा है तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। इसमें देखो तीन और दो को जोड़ो तो तीन और दो का जोड़ छः से ज़्यादा होना चाहिए, क्या ज़्यादा आ रहा है? ये तो पाँच है, तो उल्टा कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये त्रिभुज भी नहीं बनेगा। अब बीच वाला त्रिभुज देखो, तीन छः और सात, इसके कोई भी दो भुजाएं जोड़ो वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा आएगी। देखो तीन और छः को जोड़ो, नौ आया, सात से ज़्यादा, ठीक है। अब बाकी दूसरी जोड़ो, अब छः और सात को जोड़ो, छः और सात को जोड़ा तो तेरह आया, इस तीन से ज़्यादा, ठीक है। अब बाकी दो जोड़ो, अब तीन को और सात को जोड़ो तो दस आया, छः से ज़्यादा। तो हर बार कोई भी दो जोड़ रहे, तीसरी भुजा जो छोड़ दी उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें आपका त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज वही बन सकता है जहाँ पे दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक हो। तो आज तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक त्रिभुज के अंदर अगर ये दो भुजाएँ बराबर हैं तो उसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये बराबर होंगे। अगर आपने बोला ये दो बराबर हैं तो इसके सामने वाली, अच्छा साइड को हम लेते हैं, इसमें साइड के हिसाब से करते हैं ना, साइड आपको सिखाइए भुजा। जैसे अगर मैंने ये त्रिभुज बनाया, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके अपोजिट हो गया एंगल ये और इसके अपोजिट हो गया एंगल ये, एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी दो भुजाएं बराबर एक त्रिभुज के अंदर, उनके सम्मुख कोण बराबर, उनके अपोजिट, सम्मुख यानी अपोजिट एंगल्स बराबर। कई बार हम इंग्लिश ज़्यादा समझ रहे होते हैं हिंदी से, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ चाहे कैसा ही त्रिभुज हो हमेशा 180 होगा, और त्रिभुज वही बनेगा जहाँ पे दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, याद हो गई? अच्छा चलो अब कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज में कोण एक्स का माप ज्ञात करना है। अभी तीन त्रिभुज का, तीन कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो आप 50 को 60 को जोड़ो और x, ये देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 50 जमा x जमा 60 इक्वल टू 180 होना चाहिए। 50 और 60 जोड़ा 110, तो x जमा 110 180 होगा। फिर 110 को इधर ले जाओ, इसका निशान बदल जाता है, सरल समीकरण में निशान प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, 70 आ जाएगा, इसको घटा दो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जो निशान है ये 90 का निशान है, तो और ये है x, x जमा 90 जमा 30, x जमा 90 जमा 30 180 होना चाहिए। 90 30 को जोड़ो 120, ये इधर आके माइनस का निशान ले लेगा तो ये तुम्हारा हो गया 60। जो माइनस का निशान है उधर जाके प्लस हो जाता है, जो प्लस का निशान है उधर जाके माइनस हो जाता है, तो 60 डिग्री उत्तर आ गया। यहाँ पर x, x और 50 तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब x और x को जोड़ो, x और x का जोड़ आएगा 2x, ये बिल्कुल ध्यान रखो, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे, x और x का जोड़ 2x होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये नहीं, x और x का जोड़ होगा 2x, ठीक है। और फिर 50 इक्वल टू 180, फिर 50 को इधर ले जाओ, ये प्लस 50 है तो उधर जाके माइनस 50 हो जाएगा, 180 में से 50 घटाए 130, 2x इक्वल टू 130, 130 को 2 से भाग किया क्योंकि 2 यहाँ गुना हो रहा है तो इधर आके भाग होता है, तो ये तुम्हारा हो गया 65। आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, दिमाग में भी, जिन बच्चों की जमा घटा बहुत अच्छी है वो उसको देख के भी बता सकते एकदम से क्या उत्तर आएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ कारण भी दे रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो आपको कारण देना है और फिर हल करना है, पूरे आपको अंक मिलेंगे इसमें। अब एक और प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए कोणों में से कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं, क्या ये त्रिभुज बन सकता है इसके अंदर के कोण सब ये हो? तो चलो इसको जोड़ के देखो, इसका जोड़ आ रहा है 190, 70 और 40 जमा के 110, 110 और 80 190, तो ये तो नहीं बन सकता, गलत। 20 95 और 65, तो 65 और 5 70, ये देखो इधर करते हैं, 65 और 5 70, 70 और 90 160 और 20 180, ये बनेगा, तीनों का जोड़ 180 हो गया। इनको जोड़ो, 45 55 और 80, 45 और 5 50 और 50 100 और 80 180, ठीक है। इसको जोड़ो, 35 और 5 40 और 40 80 और 50 130, तो ये नहीं बनेगा। सो जहाँ नहीं बनेगा उसको कर दो क्रॉस, ये आपका बन रहा है, तो ये तुम्हारे कौन से त्रिभुज के अंतः कोण, 20 50 वाले में इसमें बनेगा और इसमें बनेगा, बाकी दोनों में इसमें और इसमें नहीं बनेगा त्रिभुज। क्योंकि क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। आज की वीडियो में हमने बहुत पढ़ाई करा दी बच्चों आपको,
बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें करें। किसी को नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा रीवॉच कर लो, एक बार सुनने में नहीं आता, दोबारा से सुनने में समझ में आ जाता है। जितनी बार वीडियो को चाहो आप चला के देख सकते हो, जब तक कि वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब ना हो जाए। वीडियोज़ के फ़ायदे ही यही हैं, आप कितनी बार भी मैम को रिपीट करवा सकते हो, है ना, फिर से प्ले कर सकते हो उसको वीडियो को। ठीक है बच्चों, इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं। वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे होते तुम लोग, इसको अच्छा लगता है तो लाइक करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चों।